हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ई पार्टिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल टेली यूनियन आई टी यू बी कहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनियन है क्या या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करता है और ये कितना इफेक्टिव है इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और और खासकर यह है क्या व्हाट इज़ इट एस्टैब्लिश इन 1865 आप देख सकते हैं कि कितना पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल रिप्यूट का है क्योंकि जब हम टेली कहते हैं कहीं ना कहीं पोस्टल डिपार्टमेंट भी इसी के नीचे ही आता है तो आइए जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो इतना पुराना क्यों है किस लिए है द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन इज़ यू एनस एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज देखिए आपको लग रहा होगा कि यूनाइटेड नेशन का संगठन जो है वो कहीं ना कहीं नाइनटीन में हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर एटीन में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ तो जाहिर सी बात है कि बाद में यूनाइटेड नेशन ने इसे अपने स्पेशलाइज एजेंसी की तरह अडॉप्ट किया हुआ है तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल टेली यूनियन भी जो है जिस लाइक डब्ल्यू एच की बात हमने जैसे की ये भी यूनाइटेड नेशन का ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि आईसीटी से डील करता है यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से डील करता है इट्स मिशन इज़ टू कनेक्ट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द राइट्स ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट जैसा डब्ल्यू एच ओ के बारे में हमने बात किया तो कहा कि हेल्थ के बारे में है डब्ल्यू टी ओ के बारे में हमने कहा तो देखा ट्रेड के बारे में है तो उसी तरीके से आई टी यू जो है वो कम्युनिकेशन के राइट्स को बचाता है देखिए जाहिर सी बात है जैसा हेल्थ ज़रूरी है ट्रेड एंड कॉमर्स ज़रूरी है उसी तरीके से कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है इसी के जरिए तो हम एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं एक दूसरे के साथ चाहे वो अपने हो चाहे वो पढ़ाए क्यों ना हो हम एक दूसरे के ख्याल को जो है जान सकते हैं मैसेजेस uh, एक तरीके से दूसरे तरीके को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं आइडियाज़ मूव कर सकते हैं तो इस तरीके से थॉट भी मूव होते हैं तो इस तरीके से कम्युनिकेशन भी जो है वो पीपल के लिए बहुत ही जरूरी है ओरिजिनली फाउंडेड एज ए इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन टू प्रमोट कॉपरेशन अमॉन्ग इंटरनेशनल टेलीग्राफी नेटवर्क ऑफ द डे तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त टेलीफोन्स वगैरह तो थे नहीं इंटरनेट का कनेक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था तो वहाँ पर पोस्टल डिपार्टमेंट में आप सभी को पता है कि टेलीग्राफ का इस्तेमाल किया जाता था तो एटीन में जब हम बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन था और बाद में जब वो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे अडॉप्ट किया तो वो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनि यूनियन बन गया था तो आई टी यू प्रीडेट्स मनी अदर स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी एंड इट्स लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश्ड हिस्ट्री नंबर ऑफ़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट सच एज द स्टैंडर्डाइन ऑफ यूज ऑफ मोर्सकोड मोर्सकोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए मोर्स कोड जो था वो डॉट्स एंड डैशेज का इस्तेमाल करके मैसेजेस को ट्रांसफर करते थे खासकर शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी था कम्युनिकेट करने के लिए तो उस वक्त मोर्स कोड का जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन यूज हुआ जाता था पूरे दुनिया भर में जो है यही तो मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता था तभी तो नेविगेशन शिप्स वगैरह नेविगेशन रूट्स वगैरह हमें पता करने को चले तो इनिशियली इट वॉज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द वर्ल्ड फर्स्ट रेडियो कम्युनिकेशन एंड फिक्सड टेली कम्युनिकेशन तो ये श्रेय भी आई को ही जाता है कि दुनिया का फर्स्ट रेडियो कनेक्टिविटी जो हम देखते हैं वो भी इसी के द्वारा दिया गया था और फर्स्ट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो अगर आपको याद हो तो वायर्ड लैंडलाइंस हमारे घर में हुआ करते थे एम टी एन एल बी एस एन एल के जमाने में तो उस तरीके का कनेक्शन भी सबसे पहले आई टी यू ने ही दिया हुआ था आई टी यू हैज वन नाइनटी थ्री मेंबर्स वन नाइनटी फोर जो है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबरशिप है तो इसी तरीके से जाहिर सी बात है कि ऑलमोस्ट ऑल पूरे यू एन के मेंबर्स आई टी यू के मेंबर्स भी हैं फंक्शन ऑफ आई टी ओ आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का फंक्शन क्या है अलोकेट से रेडियो स्पेक्ट्रम्स जो कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर में रेडियो मैसेजेस ट्रांसफर करने के लिए उसके स्पेक्ट्रम्स को वो अलोकेट करते हैं अलोकेशन ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं सैटेलाइट्स के लिए जो लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग कंट्री के स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज से तो वो भी यही अलोकेट करता है डेवलप्स टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर द नेटवर्क फॉर देम टू फंक्शनल सीमलेसली टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो कोई भी हो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन से रिलेटेड रिसर्च इस तरीके के डेवलपमेंट नहीं थे तो उस तरीके के अनडेवलप्ड uh, और स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज की भी मदद करता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पेनेट्रेशन के लिए